जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एमपी पुलिस विभाग में स्पोर्ट कोटा के तहत भर्ती निकाली गई है। अब आने वाले वर्षों में 60 पद केवल स्पोर्ट कोटा के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदक की स्टार्टिंग डेट रहेगी 27/8/2021, लास्ट डेट रहेगी 27/9/2021। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। संशोधन करने की अंतिम तिथि रहेगी 4/10/2021। SI उपनिरीक्षक के लिए लगेगी फीस 100 रुपये और आरक्षक के लिए 50। पद आपका रहेगा SI और कांस्टेबल। स्पोर्ट कोटा के तहत भर्ती है, आप नोटिस पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति 2021 के अंतर्गत पद पर सीधी भर्ती आमंत्रण आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिकृत खिलाड़ियों की पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अर्थ होगा कि उन्होंने खेलों में पदक पिछले 3 वर्षों में प्राप्त किए हों। नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा राष्ट्रमंडल खेल से आप देख सकते हैं कहां कहां भारत में खेल आयोजित किए गए हैं, उस क्षेत्र की जगह थी। राष्ट्रमंडल खेल 2006 मेलबोर्न, 2010-2033 वे राष्ट्रीय खेल 2015 केरल। आप देख सकते हैं पोस्ट OBC URSC ST EW के लिए पोस्ट दी गई है। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक को 800 अंक दिए जाएंगे, रजत के लिए 700 और कांस्य पदक के लिए 600 और भागीदार के लिए 400 दिए जाएंगे। एशियाई खेल में 300, 200, 150। विश्व कप विश्व में 400, 300, 250, 100। आपको जो पेमेंट दी जाएगी 36,200 से 114,800 रुपये। SI के लिए उपनिरीक्षक आरक्षक के 19,500 से 62,000। सैलरी अच्छी खासी। योग्यता की बात आती है तो योग्यता आरक्षक के लिए 10वीं 12वीं अथवा समकक्ष 8वीं कक्षा तथा समकक्ष क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 10वीं 12वीं। उपनिरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए। SI की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। शैक्षणिक की छूटता भी दी गई है। निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको मालूम हो गई। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरने के वाले पदों के लिए 21-33 जो आपका स्पोर्ट रहेगा एथलीट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉली, स्नोकर, साइकिलिंग, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, जूडो, खो खो, रोविंग, शॉटिंग 15-20 खेल दिए गए हैं। जो भी आपका खेल हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। recruitmentmppolice.gov.in पर आपने साइट देख ली है, आप इस पर देख सकते हैं। धन्यवाद।